हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवाना सिंधी। स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज़ी मायो पराठे। ये बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं और ये बच्चों के और सब बड़ों के भी सभी के फेवरेट होते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चिकन चीज़ी मायो पराठे किस तरीके से बनाएँ। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने 5 से 6 बड़े चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। उसके अंदर 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे और पेस्ट को अच्छे से ऑयल के अंदर मिक्स कर देंगे ताकि उसकी बढ़िया सी खुशबू आ जाए। उसके बाद इसके अंदर हम पेस्ट ऐड करेंगे। ये मैंने पेस्ट लिया है, देखिए, ये 1 मुट्ठी कोथमीर, 1 मुट्ठी धनिया और 6 से 7 हरी मिर्चें ली है, यानी कोथमीर, फुदीना और हरी मिर्ची तीनों का पेस्ट रेडी किया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ग्राइंड करके। देखिए, अच्छे से उसको दरदरा सा ग्राइंड कर लें और उसको ऑयल के अंदर डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको हमें अच्छे से भूनना है। इसके अंदर स्वाद के मुताबिक हम नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद इसमें 1 चम्मच जितना हम होममेड गरम मसाला ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच जितना हमने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है, भुना कूटा हुआ जीरा, तो वो भी हमने डाल दिया है। सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका तेल ऊपर ना आ जाए, ठीक है। तो जब आप देखें कि इसका तेल ऊपर आ गया है, वहाँ तक कि हमें मसालों को भूनना है ताकि हरी मिर्ची का कच्चापन दूर हो जाए और हमारे मसाले अच्छे से भून जाए। तो देखिए, तेल ऊपर दिखने लगा है। इसके अंदर अब हम चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। ये सूखी प्याज होती है, ये मैंने 500 से 600 ग्राम जितनी सूखी प्याज ली है जिसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। तो देखिए, प्याज को डालने के बाद मसालों के साथ हम अच्छे से हमें मिक्स करना है। देखिए, इसको हम अच्छे से पकाएंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल मीडियम स्लो कर दें। उसके बाद इसको हम ढक्कन लगा देंगे इसका और ढक्कन लगाने के बाद 5 मिनट तक इसको पकाएंगे जब तक कि प्याज अच्छे से गल ना जाए, मसालों के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो देखिए, 5 मिनट हो चुकी है, अच्छे से मिक्स हो चुकी है प्याज मसालों के साथ और बहुत बढ़िया सी मसाला से खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इसमें कोथमीर, फुदीना, हरी मिर्चों का टेस्ट लिया है। उसके बाद ये मैंने 500 ग्राम चिकन श्रेड कर ली है। इसको सबसे पहले हमने नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद इसको हमने इस तरीके से श्रेड कर लिया है। तो चिकन भी हमने डाल दी है। अब चिकन डालने के बाद इसको भी हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से चिकन को अच्छे से मिक्स कीजिए। आप जैसे भी क्वांटिटी करना चाहो उसके हिसाब से आप प्याज और चिकन ऐड कर सकते हो। मैंने 500 ग्राम प्याज और 500 ग्राम जितनी चिकन ली है, दोनों बराबर लिया है, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब इसके अंदर हम मायोनीज ऐड करेंगे। तो मायोनीज हमने 100 से 150 ग्राम जितनी, यानी एक बड़ी कटोरी भर के हमने मायोनीज का इस्तेमाल किया है। तो मैंने कम से कम 6 से 7 चम्मच जितने इसमें मायोनीज डाला है और थोड़ा थोड़ा डालकर हम उसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। एक साथ में हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा मायोनीज डालते जाएंगे और उसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो मायोनीज की मात्रा हमने 100 से 150 ग्राम जितनी इसमें ली है, तो उसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, आपके पास जो भी मायोनीज अवेलेबल हो आप वो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मायोनीज डालकर उसको हमें अच्छे से चिकन की स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से देखिए मिक्स हो चुका है। इसको हम फिर से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए, 2 मिनट हो चुकी है, इसका भी तेल ऊपर आने लगा है, मायोनीज अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो चुकी है। तो इस टाइम पे आप चाहो तो गैस की फ्लेम को आप बंद कर दीजिए। और लास्ट में हमें क्या करना है, चीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे। ये मैंने अमूल का चीज़ लिया है, ये 200 ग्राम चीज़ का पैकेट है। तो अब चीज़ को हमने श्रेड कर लिया है और श्रेड करने के बाद चीज़ को भी हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमने इसलिए बंद कर दिया कि ऑलरेडी ये सब जो स्टफिंग है वो ऑलरेडी गर्म है, तो जो हमने चीज़ डाला है वो अंदर मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ डालने के बाद इसको हम अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए, हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चीज़ डालकर भी हमने स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बहुत मज़े का और टेस्टी और ज़बरदस्त बनता है और बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होता है।
तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है, अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पर मैंने डो रेडी करके रखा है। डो में मैंने आधा आटा आधा मैदा दोनों का इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने 500 ग्राम आटा लिया है गेहूं का और 500 ग्राम मैदा लिया है, उसके अंदर नमक डालकर और ऑयल डालकर और थोड़ा सा आधी चम्मच मैंने एक चौथाई चम्मच जितना मैंने अजवाइन डालकर उसको गून लिया है। देखिए आटे को मैंने पहले से रेडी करके रखा था, तो इस तरीके से हमें उसके पराठे बनाने हैं। एक छोटी सी हमने आटे की लोई ले ली है, तो इस तरीके से पूरी का शेप उसको दे देंगे। इस तरह से हमें दो पूरी रेडी करनी है। देखिए इस तरह से हमने दो आटे की पूरी रेडी कर ली है। अब इसके अंदर हमें स्टफिंग रखना है। ये बहुत मज़े का बनता है। अगर आप चाहो तो एकले मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने गेहूं का आटा और मैदा दोनों हाफ हाफ क्वांटिटी में लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्टफिंग बीच में रख दिया है, उसको अच्छे से फैला देंगे। और जो हमने दूसरी रोटी रखी है उसको हमें इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। देखिए उस तरीके हाथों की मदद से उसको इस तरीके से हमें उसे थपथपा लेना है। तो अब इसकी जो कॉर्नर होती है हम चाहे तो हम फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैं हाथों की मदद से इस तरीके से जो पराठा है उसकी जो कॉर्नर है उसको वाल लूँगी, और आप चाहो तो उसको हल्के हाथों से आप बेल भी सकते हो, वो आपकी चॉइस पर है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से हमारे चिकन चीज़ी मायो पराठे रेडी हो गए हैं। तब इसको हम सेक लेते हैं। तो देखिए दूसरी साइड पर मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था। तवा जब गरम हो जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को आप मीडियम कर दें। तो इस तरीके से हमें पराठा डाल देना है। एक साइड से हमें एक मिनट तक पकाना है, फिर आप उसे पलट दें और दूसरी साइड से भी उसको अच्छे से एक मिनट तक पकाएं। इसको हल्की आँच पर ही पकाएं, धीमी आँच पर, ताकि जो आटा है वो अच्छे से अंदर से कुक हो जाए, कच्चा ना रहे। तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड से पराठा जो है वो सेक चुका है। अब इसके ऊपर हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी चॉइस पर है। तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए हमने इसमें ऑयल डाल दिया है और इस तरीके से उसको अच्छे से हम पलट पलट करते हुए उसको पका लेंगे। तो देखिए एक साइड से हमारा पराठा सिक चुका है। इस तरीके से अब दबा दबा कर पकाइए ताकि ये अच्छे से सिक जाए। ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा वैसे हमें उसको रखना है, तब इसको हम पलट देंगे। तो देखिए हमने इसको पलट दिया है। तो दूसरी साइड से भी इस तरह चम्मच की मदद से उसको दबाते हुए हम सेक लेंगे और दूसरी साइड से भी उसका कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, वहाँ तक उसको हमें सेकना है। इस बात का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को आप मीडियम ही रखें, फुल ना रखें, ना कभी फुल गैस पे क्या होगा, फुल फ्लेम पे ये पराठे फटाफट से आपके सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए मसाला से बहुत बढ़िया सा कलर आ चुका है। ये बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर बनाइए और गर्मा गर्म इसे इंजॉय कीजिए। तो देखिए हमारा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हम दूसरे पराठे भी हम बना देंगे। तो आप गर्मा गर्म पराठों को एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये चिकन चीज़ी मायो पराठे की रेसिपी कैसी लगी। और नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल क्लासिक तड़का के साथ बने रहिए। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और गर्मा गर्म चिकन पराठे टोमेटो केचप के साथ या मायोनीज के साथ एंजॉय कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो ऐसे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ऐसे और फिर लाइक करो ऐसे।